अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ बोलो भाई, कहाँ हैं आप? बाहर आया हूँ, जरा मैं करता हूँ बाद में फोन। Hey, about time, huh? Yeah. Shall we? Let's go. क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। हाँ, किताबें भी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। अब कहाँ लेके चला गया आपका राइटर आपको अम्मी? पता है, एक औरत की खूबसूरती को राइटर बयान कर रहा है इतनी उम्दगी से कि यूं लग रहा था कि जैसे औरत सामने खड़ी। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस औरत को जाके मिलूं। अम्मी, किस दुनिया में रहती हैं आप? खाली पुलाव है यहाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। हेलो, तुम्हारी ये जो रियलिटी की दुनिया है ना, इससे बियॉन्ड भी एक दुनिया है। अम्मी, मुझे किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो आपकी पढ़ी है इतनी सारी किताबें, हर किताब की स्टोरी पता है, और वैसे भी इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद होता है। मैंने सुनाई है ना, लेकिन जो मज़ा खुद किताब पढ़ने में है वो सुनने में नहीं है। सुना तुमने? ऐसे अम्मी, आपकी लाइफ कितनी मज़े की, ना आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, ना ग्रेड्स की टेंशन, ना एडमिशन का मसला, ना जॉब के लिए स्ट्रगल, सिर्फ आप, किताब, चाय, वही लॉन। जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे ना, तो तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी भी इतनी ही कूल होगी। और बाय द वे, अगर जवानी में इंसान ने बहुत मेहनत की हो तो बुढ़ापे में आकर आराम से बैठकर किताब पढ़ने में क्या हर्ज। मैं जितना ही बूढ़ा हो जाऊँ, कम से कम इतनी इनएक्टिव लाइफ तो नहीं गुजारूंगा। इनफैक्ट मैं चाहूंगा मैं तो कोई बुढ़ा ही ना हूँ, जवानी में ही मैं। चुप करो, खबरदार जिस तरह की बात की तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे ऐसी बातें। क्यों, मजाक कर रहा हूँ मैं? मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे मजाक। अच्छा चले, गुस्सा मत होए और अपनी किताब पढ़ लें। खूबसूरत औरत की डिस्क्रिप्शन। अच्छा हटो, ये बेरहम हसीना। चुप कर। अच्छा सॉरी ना अम्मी, नहीं करूंगा सॉरी। क्यों मुंह में जादू कह देते हो? सॉरी, मैं चाय बना के लाया हूँ। अच्छी पी तो लीजिए। डायमंड का ही सेट है। माशाल्लाह, ये तो मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था। बड़ी प्यारी चॉइस है भाभी आपकी। अकेले गई थी या भाई साहब ने दिया है? अरे सेठ साहब के पास कहाँ इतना टाइम, ये सारे काम तो उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिए। बस चेक काट कर दे देते हैं और पीएस साथ कर देते हैं। मेरा वाला हाल है आपका। इस बार तो मैं भी हॉलीडे पे अकेली गई थी, सलीम साहब के पास वक्त ही नहीं है ना बच्चियों के पास। अच्छा, कहाँ गई थी? ग्रीस। सारी दुनिया घूम चुकी हूँ, बस एक ही मुल्क रह गया था। मम्मी मैं जाऊँ? बैठो ना। अरे बेटा बैठो ना। नहीं आंटी, मुझे जिम के लिए निकलना। फिटनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है आजकल की बच्चों के लिए। और सूफिया बेटी तो माशाल्लाह वैसे ही स्लिम और स्मार्ट है। जी, आजकल की बच्चियों जैसी तो कोई चीज है ही नहीं इसमें। ना इसको कपड़ों का शौक है, ना इसको जेवर का। भाभी, बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने, इसीलिए तो कहती हूँ इसे आप मेरी बेटी बना दें। हाँ, इस बारे में तो मुझे सेठ साहब से ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन आप तो जानती हैं कि हम बिरादरी और खानदान से बाहर शादी नहीं करते। बिरादरी का क्या है, एक बार बेटी हमारे घर आ जाएगी तो हम भी आपकी बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। ये सलीम अभी तक चाय लेके नहीं आया, आप बैठे, मैं जरा पता करती हूँ कहाँ रह गया। सलीम, सोफिया, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। मचा ले कि तुम दो मिनट भी टिक कर बैठ जाओ कहीं। मम्मी,
मुझे आपके आपके फ्रेंड्स की खाना बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने बाप की जबान मत बोलो। क्या मकाना बात की मैंने और मेरी दोस्तों ने? सेम ओल्ड नॉनसेंस, ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, डिजाइनर्स, आई हैव नो इंटरेस्ट, प्लीज। यही औरत की जिंदगी है बेटा। तरस आता है आपके। सोफिया, सोफिया। ओके मेरी जान। अरे अरे क्या? इधर आओ ना, एक सेल्फी तो हो जाए। मैं क्या कर रही है? अरे आओ ना एक सेल्फी भाई, आओ ना। खुद ही तो सिखाया था, आ जाओ। और ये चाबी भी मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। यू कीप द काम, चलो आ जाओ। ए कैसे था कैसा? हाँ देखो ना। अच्छा चलो अब। अच्छा बस मैं लेट हो रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट, ये नहीं ना, जल्दी जाऊंगी। देखे 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 कैसे लोग हैं। Have a good day. Khuda hafiz. Jana meri jaan. Yo. All the best. Khuda hafiz. Ye Seth Reis ki beti hai. Unke style to check kar. Wo Seth Reis jo politician. B132.